एवरीवन, वेलकम टू कुक विद किन्नरी। मेरे किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ व्रत स्पेशल वेरी वेरी टेस्टी डिलीशियस एंड लाजवाब फराली आलू शकरकंद की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन जाती है। ये देखिए, ऐसी यम्मी टेस्टी एंड माउथ वाटरिंग फराली आलू शकरकंद की सब्जी बनाने के लिए मेरी वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और मेरी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए फटाफट फराली आलू शकरकंद की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। फराली सब्जी बनाने के लिए मैंने एक स्वीट पोटैटो यानी कि शक्करकंद और 5 से 6 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसको मैंने मीडियम साइज़ में काट लिया है। आप चाहे तो शक्करकंद को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ आलू भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून जितना काली मिर्च का पाउडर लिया है, थोड़े से नीम के पत्ते लिए हैं, 3 से 4 चम्मच रोस्टेड मूंगफली ली है जिसको मैंने चिली कटर में क्रश कर लिया है। अभी लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाल रहे तो मैंने स्पाइसी वाली 4 से 5 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक को मैंने चिली कटर में क्रश कर लिया है। थोड़ी सी स्पाइसी सब्जी हो तो ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में लगभग 5 टेबलस्पून जितना यानी कि 5 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए बाद में उसमें 1 टीस्पून जितना जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून हींग डालेंगे। जीरा थोड़ा सा फूटने लगे तब उसमें क्रश्ड हरी मिर्च और अदरक डालेंगे, नीम के पत्ते भी साथ में डाल देंगे। क्रश्ड की हुई मूंगफली डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही इन्हांस हो जाता है, बहुत ही बढ़िया आता है। तो थोड़ा सा भून लेंगे 20 से 25 सेकेंड। अब इसमें उबले हुए आलू और शकरकंद डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप यहाँ व्रत स्पेशल जो नमक आता है वो भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ रेगुलर यूज़ किया हुआ है। काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। अपने हिसाब से सारे मसाले आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मिला लेंगे अच्छे से। गैस की फ्लेम मैंने अभी मीडियम रखी है। यहाँ मैं 1 टेबलस्पून जितना चीनी पाउडर डाल रही हूँ। आपको पसंद हो तो ही डालें वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी खट्टी और मीठी सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है। 1/2 नींबू का रस निचोड़ देंगे स्वाद को और बढ़ाने के लिए। मिला लेंगे अच्छे से, मतलब कि थोड़ी सी स्पाइसी, थोड़ी सी खट्टी और थोड़ी सी मीठी, ये सब्जी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो ये लीजिए, ऑलमोस्ट हमारी सब्जी बनकर रेडी है। अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स कर लिया मैंने, अब गैस को बंद कर लेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। चलिए अब सब्जी को एक बॉल में सर्व कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया और कितना टेम्प्टिंग लुक है, आप अच्छे से देख सकते हैं। लीजिए, बॉल में निकाल लिया मैंने। अब थोड़े से हरे धनिए से फिर से गार्निश कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, एकदम गर्मा गर्म वेरी वेरी टेस्टी डिलीशियस एंड यमी फराली आलू शक्करकंद की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे कोई भी फराली रोटी या फिर फराली पूरी या फिर थेपले के साथ खा सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप इसमें दही डालकर भी
खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आप इसे घर पर ज़रूर से ट्राई करें और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।